एबे में सेट रो लिखन प्रेजेंटेशन ऑफ सेट विषय पढ़ा सेट को किपरि लिखा जाए बुझेला। तो साधारणतः आम सेट को इंग्राजी वर्णमालार बड़ अक्षर जोटा कि कैपिटल लेटर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी रे नामकरण करी था ओ यार उपादान गुड़ी को सेट रो जो गुड़ी उपादान रहिले एलिमेंट रहिले से गुड़ी को आम छोट अक्षर साधारणतः छोट अक्षर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आदि द्वारा सूचित कर था। तो जदि सेट ए रो जदि सेट ए रो गोटे उपादान स्मॉल बी होई थे तबे आम लिखिबा स्मॉल बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए माने एटा बिलोंग्स टू चिन्ह बा एलिमेंट चिन्ह तो उपादान रो चिन्ह तो बी स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए माने बी बिलोंग्स टू ए एवं एहा को कोन पढ़ा जाए बी बिलोंग्स टू ए बा बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए बोली पढ़ा जाए बी ए रो एक उपादान बुझेला। तो जदि बी ए सेट रो गोटे उपादान हेइ न थाए तबे बी बिलोंग्स टू चिन्ह रे स्लाश चिन्ह दिया जाए गार पकाई जाय थाए जोटा कि स्लाश चिन्ह कहा बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखा जाए यह बी ए रो उपादान नुहे बोली पढ़ा जाए। तो यह एमती भी पढ़ी पार बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए बा आम पढ़ी पार बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए बुझेला बुझी पारे। अच्छा नेक्स्ट कौन कौन सेट को लिखिबा पई आम दुईटी पद्धति बा मेथड आम अवलंबन करी थाउ से दुईटी पद्धति हला प्रथम टे हला तालिका पद्धति बा सारणी पद्धति जोटा कि इंग्लीश रे आम कौन कौन लिस्टेड मेथड तालिका तुम जाच तुम जोबले तालिका गोटे प्रस्तुत करा जाए मनकर हाट सौदा करने जाऊ तुमको गोटे तालिका कर पिज आणबू आलु आणबू रसुण आणबू अदा आणबू एगुटा सब कौन तालिका करके लिखा लिस्ट तुमको दिखाई गोटे सौदा लिस्ट दि मुझे देखिए आनबी। तो से तो तालिका पद्धति हूँ लिस्टेड मेथड कहती है तो टैबुलर मेथड सारणी पद्धति कहती सारणी अनुसार लिखा जाए जोटा कि सारणी पद्धति बट टैबुलर मेथड मध्ये कहती रोस्टर मेथड मध्ये इंग्लीश रे ताको कहती बुझेला। तापर हूँ नेक्स्ट मेथड हूँ दुटा मेथड गोटे हूँ तालिका पद्धति आ गोटे हूँ सूत्र पद्धति बा सेट गठनकारी पद्धति। तो सूत्र पद्धति जोटा कि फर्मूला मेथड आम इंग्लीश रे कही था सेट गठनकारी पद्धति जोटा कि सेट बिल्डर मेथड कौन कही था सेट बिल्डर मेथड बिल्डर माने गठनकारी पद्धति है सेट बिल्डर पद्धति। तो प्रथमे आमे तालिका पद्धति विषय जानिबा तापरे सूत्र पद्धति विषय जानिबा। तालिका पद्धति देखो एठी कुटिल बंधनी चिन्ह दिया है नुहे कि कुटिल बंधनी तो कर्ली ब्रैकेट ताकु मध्य इंग्लीश रे कहती बा ओपन पारंथेसिस मध्य कहती इंग्लीश रे बुझेला। तो एक जोड़ा कुटिल बंधनी मध्य रे जेउ उपादान गुड़ी को नै सेट टी गठित से गुड़ी को गोटिक परे गोटे रखा जीव कोन कराबो कुटिल बंधनी मध्य रे ए दुटा कुटिल बंधनी मध्य रे एटा ओपन पारंथेसिस एटा होची क्लोज पारंथेसिस एटा आरंभ कुटिल बंधनी शेष बुझेला ना नै एटा देखि जानि पाउथु। तो से कोन कहउची ए दुटा बंधनी मध्य रे बुझेला कुटिल बंधनी मध्य रे उपादान गुड़ी को गोटिक परे गोटिए गोटिक परे गोटे रखा जीव आउ सेमानंकु माने जो प्रत्येक प्रत्येक उपादान जो प्रत्येक उपादान को लेखा गला त सेमानंकु अलग अलग भाव रे लिखा जाए आउ सेमानंकु अलग करिया पे कमा चिन्ह दिया जाए कौन दिया जाए तो प्रति उपादान परे कमा चिन्ह दिया जाए बुझेला ना नहीं कमा चिन्ह देकि आमे ताकु लेखंती प्रथमे जोटा कि कुटिल बंधनी आरंभ उपादान रहिला तापर कमा चिन्ह तापर गोटे उपादान रहिला कमा चिन्ह एमती देकि लास्ट को कौन करती शेष आम कौन कुटिल बंधनी शेष करती। तो देख उदाहरण आम उदाहरण दे बुझीपर जदि ए सेट्र ए सेट टी सौरजगतर समस्त ग्रह मानक नहीं गठित होता है तो समस्त सौरजगतर समस्त ग्रह मानक नहीं जी सेटा गठित होता है तो से मानू तालिका पद्धति लिखिले यहाँ कौन हम आम देखा ना ए सेट कैपिटल ए सेट ए रामकरण ना सरी ए सेट्र नामकरण कौन कराला कैपिटल ए सेट कौन कैपिटल ए सेट इजिकल टू कर्ली ब्रैकेट आरंभ बुद्ध किए रे उपादान किए समस्त ग्रह आठटी ग्रह किए किए बुद्ध तापर कमा शुक्र कमा पृथ्वी कमा मंगल कमा बृहस्पति कमा शनि कमा यूरेन्स कमा नेपच्यून तापर कर्ली ब्रैकेट क्लोज है बुझेला ना नहीं ताकू यहीपर भाव में आम
तालिका पद्धति रे लिखि थांति। तो जदि बी सेट टी जदि बी सेट टी समस्त गणन संख्या मानु नहीं गठित होता है तेबे तालिका पद्धति रे याकु लिखले कोन हबो देखो ना बी सेट देखो बी कैपिटल बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट आरंभ होला 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चिन्ह माने एटा असीम असीम सेट तेणु करी ता भितरे ए कर्ली ब्रैकेट भितरे आमे डॉट 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 दोजन बुझला डॉट डॉट देकी तापर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करचंती। तो एटी कोन होची बी सेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 3टा कि 4टा पर्यंत लिखि कि डॉट डॉट देले भी चलिवो बुझला ना ने। तो मु एई परित भावरे तकु लेखिली प्रत्येक उपादान रे देखो के रहिले 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक गोटे गोटे गणन संख्या होची कोन ए गणन संख्या सेट रो गोटे गोटे उपादान से मानकु कमा चिन्ह द्वारा आमे अलग करके लिखि चंती बुझेला ना नै। तापरे इंपोर्टेंट पॉइंट कोन ना कोनोसी सेट कु तालिका पद्धति रे लेखिला बेले जदि उपादान गुडी कु जे कोनोसी क्रम रे लेखिले मध्य सेटटी अपरिवर्तित रहे ता माने कोन कहूची माने मने करो देख उदाहरण देले तुम बुझ पारिबो कैपिटल ए सेट इज इक्वल टू लिखाई छि 1, 2, 3 मु ताको एमति भी और एमति भी लेखि पारिबी 2, 3, 1 जे कोनोसी क्रम रे लेखिले हला जे कोनोसी क्रम रे और 3, 2, 1 और 3, 1, 2 एमति लेखिले भी चलिबो माने करो ए बी सी अछि तीनटा लेटर को नेकी गोटे सेट टे गठन हेछि मु ताको लेखि पारिबी कोन लेखि पारिबी ए बी सी बी सी ए सी ए बी बुझेला बी ए सी एमती करके लिखि परिबी कोनोसी तार परिवर्तन घटिबोनी बुझेला। तो नेक्स्ट होची नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची सेट रो उपादान मानको लेखिला बेले जदि सेट टी माने सेट रे जदि कोनोसी उपादान एकाधिक बार लेखा थाए एकाधिक बार माने रिपीटेशन हेथाए बुझेला रिपीट हेथाए कोनोसी उपादान जदि रिपीट हेथाए तबे सेही उपादान मानको थरे मात्र लेखा जाए केथर लेखा जाए थरे मात्र लेखा जाए। तो उदाहरण देख एग्जांपल 1 2 2 3 4 5 5 एठी कोन रिपीट अछि देख तो रिपीट अछि 5 रिपीट अछि 2 रिपीट अछि तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बुझला रिपीटेशन होबनी। तो मु ताको केमती लिखिबी ना 1, 2, 3, 4, 5 बुझेला रिपीटेशन चलिबोनी कोन होबने रिपीटेशन चलिबोनी बुझेला। नेक्स्ट ए वर्डटा देखो मैथमेटिक्स ए वर्डटा कोन मैथमेटिक्स एम ए टी एस ई एम ए टी आई सी एस मैथमेटिक्स ए मैथमेटिक्स वर्ड रे ए वर्डटे को मु जेते तले तालिका प्रणाली लेखिबी तो कोन करबी मैथमेटिक्स को जो जो लेटर गुडा रिपीट हेजी मु ताको आउ लेखिबिनी बुझेला एकाधिक बार थर के अछि एम अछि एम अछि आउ के अछि टी अछि टी अछि ए अछि कटि गेला ताने मु थरे थरे लिखिबि से गुडा को एम थरे तापर ए थरे तापर टी थरे तापर के रहले बाकी सब के रहले एच ई आई सी एस कर्ली ब्रैकेट क्लोज बुझेला ओपन पैरेंथेसिस भितरे कोन रहला एम ए टी एच ई आई सी एस माने एम डबल अछि डबल थाउ ट्रिपल थाउ ताकू थरे मात्र लेखा जाए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एटा को माने रखियौ। आमे तालिका पद्धति विषय जानले एबे सूत्र पद्धति बा सेट गठनकारी पद्धति विषय जानिबा ता पूर्व मु किछि संख्या आ तार नोटेशन विषय मु तुमको किछि कहय पय चाहू छी। तो देखो एन लिखाई छी कैपिटल एन लिखाई छी दैट कैपिटल एन व्हिच इज इक्वल टू नेचुरल नंबर ता कोन को हाउ छी नेचुरल नंबर को हाउ छी बा समस्त गणन संख्या मानकर सेट को हाउ छी जदी ता कोन को हाउ छी कैपिटल एन को समस्त गणन संख्या मानकर सेट भाबरे सेट को रिप्रेजेंट करा। तो ताकू मु तालिका प्रणाली ले लेखिले बा तालिका पद्धति रे लेखिले कोन होबो ना देख कुटिल बंधनी आरंभ तो 1 2 3 4 डॉट 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 क्लोज। तो एटा होची कोन समस्त गणन संख्या सेट होची गोटा असीम सेट तेणु करी मु ताको ओपन पैरेंथेसिस भितरे 1 2 3 4 कमा देकी डॉट डॉट देकी लिखली। तो एटा होची तालिका पद्धति रे तो डब्ल्यू बा एन स्टार एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर
एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर बा संप्रसारित स्वाभाविक संख्या, होल नंबर बा ताकु होल नंबर मध्य कहंती सामग्रिक संख्या, बुझेला सामग्रिक संख्या सेट को मुदाकु तालिका प्रणाली लिखिले बा तालिका पद्धति रे लिखिले कोन हबो जीरो समेत समस्त गणन संख्या मानंकु हमर कोन कहंती सामग्रिक संख्या कहंती जीरो वन टू थ्री बुझेला ना नहीं बुझेला। तो मु तालिका प्रणाली ले ताकु लिखिली रिप्रेजेंट करली। तो जेड जेड होची इंटीजर ताकु इंग्लिश रे कोन कहंती इंटीजर बा पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या जानिचो जीरो समेत समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को आमे कोन कहउचंती पूर्ण संख्या। तो ताकु मु तालिका प्रणाली ले लिखिले बा तालिका पद्धति रे लिखिले कोन हबो जीरो प्लस और माइनस वन प्लस और माइनस टू प्लस और माइनस थ्री डट 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 इनफाइनाइट सेट ना असीम सेट ना मुझे एमती लिखी समस्त पूर्ण संख्यार सेट को मुझे रिप्रेजेंट करी तालिका प्रणाली किंबा एमती भी करी कौन डट 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 माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री डट 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 बुझेला ना नहीं एमती भी मुझे रिप्रेजेंट करी। तापर आम क्यू कैपिटल क्यू जोटा कि रैशनाल नंबर कह रैशनाल नंबर कह परिमेय संख्या सेट ताक कौन कौन परिमेय संख्या सेट ताक मुझे रिप्रेजेंट करी परिमेय संख्या कहले कौन बुझ जानी ताक साधारणत आमर तार जेनेल फर्म जोटा कि व्यापक रूप से प्रकाश कराए कमी पी बाय क्यू पी बाय क्यू आकार रे प्रकाश करा जाए। पी हूँ न्यूमरेटर क्यू हूँ डिनोमरेटर पी हूँ कौन लब क्यू हूँ हर जोठार कि कौन हूँ पी बाय क्यू जोठार कि वेयर पी आउ क्यू बिलंगस टू जेड जेड आमर कौन पूर्ण संख्या सेट पी आउ क्यू जेकोसी पूर्ण संख्या होते लब और हर जेकोसी पूर्ण संख्या होता दरकार आउ कौन कंडीशन सुड भी आप्लाए गोटे सर्त रोच कौन पी जेकोसी पूर्ण संख्या हे कंडीशन पी रंडीशन कौन रहा जेकोसी पूर्ण संख्या हे क्यू रंडीशन कौन रहा ना सी भी जेकोसी पूर्ण संख्या हे बट गोटे कंडीशन रखा आउ गोटे एक्सट्रा कंडीशन कौन रखा कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हे माने जीरो भिन्न जेकोसी पूर्ण संख्या हेले से सैटिस्फाए कर कंडीशन सैटिस्फाए कर बुझेला ना नहीं। तो परिमेय संख्या को साधारणतः व्यापक रूप से पी बाय क्यू आकार प्रकाश कर जोठार कि पी आउ क्यू बिलंगस टू जेड होता है पी आउ क्यू बिलंगस टू जेड मैंने पी आउ क्यू जेकोसी पूर्ण संख्या होता आउ कौन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो जीरो भिन्न जेकोसी पूर्ण संख्या होता है बुझेला मुझे तालिका प्रणाली तालिका पद्धति में परिप्रकाश कर। तो कौन कहूँ देख सूत्र पद्धति सेट गठनकारी पद्धति फॉर्मूला मेथड बा सेट बिल्डर मेथड बुझेला। तो देख सेट बिल्डर मेथड बा सेट गठनकारी पद्धति विषय आम जानवा ना कौन ना केतेक सेट अच्छा जो मानू तालिका पद्धति में लिखा असंभव बा अत्यंत कष्टसाध्य माने से कौन कौच से नुह मुझे देख तो सूत्र पद्धति से कौन कौच केतेक सेट अच्छा जो मानक तालिका पद्धति में लिखा असंभव बा अत्यंत कष्टसाध्य। तो सेठी कौन करा जाए ताकु सूत्र पद्धति रे लिखिले बा सेट गठनकारी पद्धति रे लिखिले सेटा सहज होता है ना कौन उदाहरण समस्त भारतीय मानक सेट को तालिका पद्धति रे लिखि हबो नै एहिपरि अनेक उदाहरण पाइपर मनकर एक रु हजार मध्य गणन संख्या मानक सेट को तालिका पद्धति रे लिखापी कह तुम एक रु हजार पर्यंत लिखिले केते टाइम वेस्ट हो बुझी हूँ ना नहीं तेणुक मुझे जदि सेट गठनकारी पद्धति बा सूत्र पद्धति में लिखी मुझे सहजरे लिखिपर रिप्रेजेंट करी बुझी हूँ ना नहीं। तो तार भी इम्पोर्टेन्स अच्छी तालिका पद्धति भी किसी इम्पोर्टेन्स अच्छी आर भी किसी इम्पोर्टेन्स रोच। तो समस्त सूत्र पद्धति में लिखि प्रकाश करवा सहज अटे मानने मात्र मानने जो आम कौन कौन समस्त भारतीय मानक सेट को तालिका पद्धति में लिखी हम ना यहपरि अनेक उदाहरण आम पाइपर मात्र ए समस्त समस्त सूत्र पद्धति रे लिखि प्रकाश करिबा सहज अटे केमती ए पद्धति रे जदि समस्त भारतीयों को सेट टी आई रूप से सूचित हुए तेबे सूत्र पद्धति रे लिखिले कौन हबो आई इज इक्वल टू
कुटिल बंधनी मध्य लिखा जहाँ भी लिखा एक्स जेपरिकी एटार चिन्ह सच दैट ए कलनर चिन्ह कौन सच दैट जेपरिकी पढ़ा जाए तो एक्स सच दैट एक्स कमा जड़े भारतीय बुझेगा ना नहीं सेमती और एक्स कलन एक्स जोटा कि एक्स सच दैट एक्स जेपरिकी एक्स जड़े भारतीय तो देख एठार ये चिन्ह रोच स्लाश चिन्ह भाया कि कलन को आम जेपरिकी सच दैट बोली पढ़ीपर पढ़ा जाए बुझेगा और बंधनी अंतर्गत उक्ति को बंधनी भितर कर्ली ब्रैकेट भितर जो उक्ति स्टेटमेंटा रहा समस्त एक्स मानकर सेट समस्त एक्स मानकर सेट जेपरिकी समस्त एक्स मानकर सेट ये कथा कह समस्त एक्स मानकर सेट है जेपरिकी सच दैट मान जेपरिकी एक्स जड़े भारतीय बोली कह जाए मन रख जेपरिकी ये जो सच दैट चिन्ह परे है जेपरिकी परे थिबा उक्ति एक्सर कौन एक्सर 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 प्रथम एक्स है एक्स जेपरिकी एक्स जड़े भारतीय मान से कौन कौच ये जेपरिकी परे थिबा उक्ति स्टेटमेंटटी एक्सर एक प्रपर्टी एक्सर एक धर्म अटे एक्सर एक धर्म अटे एक्सर एक धर्म अटे ये स्टेटमेंटा बा ए स्टेटमेंटा एक्सर गोटे धर्म अटे एठारे आईर उपादान गुड़िक आईर माने आई सेट्र उपादान गुड़िक किए हेले सही समस्त व्यक्ति सही समस्त व्यक्ति जो माने भारतीय अटंती सही समस्त व्यक्ति को बुझौच जो माने भारतीय अटंती एक्स जड़े भारतीय प्रत्येक भारतीय को बुझेगा बुझेगा ना नहीं मुझे केमी रिप्रेजेंट कर पाइली बुझेगापर के नोटेसन गुड़ाक देख एन एन स्टार डब्ल्यू जेड क्यू एम को तालिका पद्धति में लिखी सूत्र पद्धति में लिखिपरि सूत्र पद्धति आपको केमी लिखा समस्त गणन संख्या सेट को मुझे सूत्र पद्धति में लिखुची भलसे देख ये वन टू थ्री फोर एमती अच्छी अप टू इनफिनिटी पर्यंत माने समस्त गणन संख्या सेट को बुझौती तो एन सेट को मुटा हूँ सूत्र पद्धति में लिखी कौन लिखी सूत्र पद्धति लिखी एटा तालिका पद्धति अच्छी एटा सूत्र पद्धति लिखी एन सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक गणन संख्या बुझेगा ना नहीं एक्स धर्म तापर जेपरिकी परे ये सब एक्स धर्म एक्स जेपरिकी एक्स एक गणन संख्या माने प्रत्येक गणन संख्या को बुझौच तेमती एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर बा होल नंबर को डब्ल्यू को मुझे रिप्रेजेंट करी होल नंबर सामग्रिक संख्या को एक्स सच दैट एक्स एक सामग्रिक संख्या बुझेगा ना नहीं अति सहज सेमती पूर्ण संख्या सेट को मुझे रिप्रेजेंट करी पूर्ण संख्या सेट को केमती रिप्रेजेंट करी मुझे इरेज पूर्ण संख्या सेट को जेड सेट इज इक्वल टू एक्स जेपरिकी एक्स एक पूर्ण संख्या आराम से पढ़ा व्यस्त होना आराम से पढ़ा पूर्ण संख्या पूरा फंडा क्लियर है चलो भलसे बुझाप चेष्टा कर बुझेगा समस्त बुझाप चेष्टा कर प्रथम नोट बसिक बनवा दरकार ना वीडियो को पज करके भी तुम नोट बनई पार पर कितु प्रथम बुझाप चेष्टा कर जेकोसी कथ थर बुझे ना लाइफ सारा से कमर दब है ये व्यस्त होवार दरकार ना आराम से पढ़ा आराम से पढ़ा आराम से पढ़ा बुझेगा हाँ से कौन कौच तो गला पूर्ण संख्या सेट को मु सूत्र पद्धति परिप्रकाश कर पाइली से परी क्यू रैशनाल नंबर को परिमेय संख्या को मध्य तुम कर आराम से तो सेमती देख मुझे ये तालिका पद्धति देखू सूत्र पद्धति परिप्रकाश केमती करवा ना देख इ सेट इज इक्वल टू टू फोर सिक्स एट अप टू इनफिनिटिव एटा असीम सेट गोटे हेले सूत्र पद्धति प्रकाश कर प्रकाश कराई इ सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट
एक्स इजिक्वल टू टू एन एटा कौन जुग्म संख्या सब ना नहीं दुई चार छ आठ दस एम सब कौन जुग्म गणन संख्या बुझेगा ना नहीं एमती परिप्रकाश करी एक्स सच दैट एक्स इजिक्वल टू टू एन टू एन माने कौन जुग्म संख्या को टू एन रे परिप्रकाश करा जाए दुईर गुणितक सब होता है नुह कि दुई 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 दुनिया चार दुई तीन छः एमती परिप्रकाश करा जाए ना ना जुग्म गणन संख्या आउ अजुग्म गणन संख्या को टू एन प्लस वन बुझेगा टू एन प्लस वन एटा हूँ इवन नंबर जुग्म गणन संख्या एटा हूँ ऑड नंबर बुझेगा ऑड नंबर बुझे ना ना जुग्म गणन संख्या अजुग्म गणन संख्या बुझेगा तो मुझे सूत्र पद्धति परिप्रकाश कली एक्स जपरिक एक्स हूँ टू एन माने इवन नंबर सब दुईर गुणितक सब कमा कंडीशन कौन एन जोटार कि एन बिलंगस टू कैपिटल एन एन कौन होता दरकार कैपिटल एन माने कौन तुम जान नेचुरल नंबर सेट को बुझे बा तुम्हारा समस्त गणन संख्या सेट को बुझे तो एन कौन हो स्मॉल एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर अप टू इनफिनिटी पर्यंत हो बुझे ना ना एन बिलंगस टू कैपिटल एन माने कौन एन कैपिटल एन उपादान हो एलिमेंट हो बिलंगस टू एटा बिलंगस टू चिन्ह बुझिपार्च तो नेक्स्ट कौन कौन ए सेट कैपिटल ए सेट व्हिच इज इक्वल टू टू फोर सिक्स एट बुझला टू फोर सिक्स एट केत पर्यंत जाइए जुग्म गणन संख्या दुई चार छ आठ मुझे एमती भी रिप्रेजेंट कर देख 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 सरी सरी ये आहरी रिप्रेजेंट करमती भी मुझिपर इ सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक जुग्म गणन संख्या बुझेगा ना ना एमती भी लिटरली मु रिप्रेजेंट करी बुझेगा एक्स सच दैट एक्स एक जुग्म गणन संख्या बहुत सहज आराम से बुझे ना ना सेमती एटी ए सेट इज इक्वल टू दे टू फोर सिक्स एट ये सब जुग्म संख्या देला के दुई चार छ आठ बुझेगा मन कर मुझे बढ़े दे दु चार छ आठ दस पर्यंत बुझेगा बुझे ना ना तो ये मुझे लिखिपर ये जुग्म संख्या सेट को तुम लिखिपर लिखिपर देख के लिख ना एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू एन जुग्म संख्या है युवा सब जुग्म संख्या तो कंडीशन कौन रहा एन बिलंगस टू कैपिटल एन होगा आवश्यक कंडीशन गोटे रहा स्मॉल एन बिलंगस टू कैपिटल एन एन हूँ नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एगुटा सब कौन नेचुरल नंबर होता दरकार आउ कौन एनटा कौन नेचुरल नंबर होता दरकार ए एनटा टू एन एन हूँ नेचुरल नंबर कौन नहीं पार्बा वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इनफिनिटी पर्यंत तापर कौन कौन ये केते पर्यंत अच्छी एन केते पर्यंत अच्छी दुई के दुई दुई दुने चार दुई तीन छः दुई छो आठ दुई पंच दस एन लेस देन इक्वल टू फाइव पर्यंत अच्छी तो ये इम्पोर्टाट कथा तुम मन रख एन लेस देन इक्वल टू फाइव कहीं लिखिली देख तो लेस देन इक्वल टू फाइव कौन ना टू एन देख टू एन फर्मूलार मुझ कौन करी एन हूँ कौन वन टू थ्री फोर फाइव एमतीका जीव तो ये मुझे एन रूल्य पक चल टू इंटु वन प्रथम पकेबी के पुट कले टू तापर टू इंटु टू विच इज इक्वल टू फोर बुझेगा टू इंटु थ्री टू थ्री जार सिक्स टू फोर जार एट टू फाइव जार टेन अप टू टेन पर्यंत आसला टेन पर्यंत आसला कि एन ये कि कौन टू रहा सेम अच्छी एन कौन है जी वन टू थ्री फोर फाइव पर्यंत आस टेन पर्यंत गला ना तुम के पर्यंत दे टू फोर सिक्स एट टेन पर्यंत ताल ये कौन है टू फोर सिक्स एट टेन पर्यंत आसला ना तो एन के पर्यंत गला वन टू थ्री फोर फाइव पर्यंत गला अप टू फाइव पर्यंत गला तो मुझे कौन लिखी केते पर्यंत जाइए एन फाइव पर्यंत जाइए ताने लेस देन इक्वल टू फाइव लिखिली लेस देन फाइव लिखिले कौन हम ताने लेस देन फाइव लिखिले ये मन रख टेन हटिज पाँच को छाड़देले पाँच भितर मानने एन पाँच भितर मानने एक रु दस भितर थी जुग्म संख्या गुड़ी लेख है दसटा को इनक्लूड कराने बुझेगा सेमती एन इज इक्वल टू एन लेस देन
और फाइव लिखाई मानते फाइव आउ इनक्लूड हेनी पाँच पाँच आउ इनक्लूड हेनी पाँच पर्यंत जीवन केते पर्यंत आसला चार पर्यंत ठीक पूर्ववर्ती संख्या पर्यंत जीव एन लेस देन फाइव थिले एटा मन रखिबो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट लेस देन फाइव देते तब फोर पर्यंत जीव केते पर्यंत ता पूर्व संख्या पर्यंत लेस देन इक्वल टू फाइव देते से ही संख्या पर्यंत जीव अप टू दैट नंबर से ही संख्या पर्यंत ताने टू इंटू फाइव टू फाइव जार टेन बुझेगा दस पर्यंत जीव तो देख जो जे न बुझी पार्छ मत कमेंट सेक्शन में जना मुझे तार डाउट क्लीयर करेबी बुझेगा तो नेक्स्ट तुम्हें तो ये अफलाइन में देखिक पढ़ी पार्छ किसी कथ नहीं कौटे असुविधा हेल्ला मत पचार कि तुम्हें जो मैंने अनलाइन में पढ़ुच तो देख जो जो न बुझी पार्छ से कमेंट सेक्शन में मतलब जना मु तुमको क्लीयर करेबी बुझेगा ना डाउट क्लीयरिंग क्लास गोटे करदे जोटा जोटा डाउट देखी कमन डाउट के रोचे मुझे क्लारीफाई लिख लापर टी सेट टी सेट इज इक्वल टू दिखाई माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अप टू इनफिनिटिव हेले टी केते तालिका पद्धति में लिखिली सूत्र पद्धति केमें कर कौन दे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अप टू इनफिनिटिव मैंने कौन ये सबू ऋणात्मक पूर्ण संख्या कथा दिहला ऋणात्मक संख्या बा ऋणात्मक पूर्ण संख्या एक्स सच दैट एक्स हला एक्स सच दैट एक्स मुझे कौन नहीं जी माइनस संख्या को ऋणात्मक पूर्ण संख्या तेणुक मुझे माइनस आगे नहीं गली माइनस एक्स मान कौन ऋणात्मक पूर्ण संख्या को बुझेगा सच दैट एक्स एक पूर्ण संख्या एमती लिखिपर बा मु लिखिपर कौन माइनस न लिखिकी एक्स सच दैट एक्स एक ऋणात्मक पूर्ण संख्या एमती भी लिखिपर तापर सी सेट सी सेट इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर एति पर्यंत आसी तो सेठी कौन कौच एटी कौन कौच माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर एति पर्यंत जाए कौन कंडीशन आसो तुम्हें कहींपर आराम से तो कौन हम एटी एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स आगे नहीं जी जेहेतु ऋणात्मक अच्छी माइनस एक्स एटी पॉजिटिव अच्छी माइनस एक्स ने भी नहीं सॉरी सॉरी एक्स सच दैट एक्स हला एक्स सच दैट एक्स एक्स बिलंगस टू एक्स बिलंगस टू मुझे एक्स नहीं एक्स बिलंगस टू जेड एक्स बिलंगस टू जेड देख मु कंडीशन जहाँ लिखुची ये इंपोर्टाट एक्स बिलंगस टू जेड मैंने एक्सटा कौन एगुड़ा सब जब एक्स है एक्स बिलंगस टू जेड बिलंगस टू जेड मैंने जेड सेट्र उपादान हो एक्स जेड सेट कौगुड़ा ना पूर्ण संख्या सेट इंटीजर सेट तो पूर्ण संख्या सेट्र उपादान हो एक्स जोठार कि एक्सटा कौटू के पर्यटन रहा फाइव रु माइनस फाइव रु टू प्लस फाइव एमती करके लिखिपर माने कौन एक्स सच दैट एक्स बिलंगस टू जेड कमा कंडीशन कौन रहा माइनस फाइव रु फाइव मान माइनस पाँच रु प्लस पाँच भितर थिबा पूर्ण संख्या मानकर गोटे सेट को बुझेला ताने माइनस फाइव लेस देन लेस देन एक्स लेस देन फाइव मु लेस देन कहीं लिखिली तो माइनस फाइव आउ फाइव को इनक्लूड कराए ना इनक्लूड कराई कि जदि लेस देन इक्वल टू लगे ताले कौन हम ये माइनस फाइव लिखी एटी मध्य फाइव लिखी बुझेगा ना नहीं तो इक्वल टू न लगेले तो से संख्याटा को एक्सक्लूड करा जीवो ता पूर्ववर्ती संख्या पर्यंत मोर नोटेसन जीवो बुझेगा ना नहीं बुझेगा।